मध्य प्रदेश का महा आंदोलन। दोस्तों, मैंने कई इंटरव्यूज लगाए हैं महेंद्र सिंह लोधी के, धर्मेंद्र कुशवाहा के, और ये आज 2 तारीख है और आज वहां ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी आरक्षण के साथ जिस तरह से घपलेबाजी हो रही है उसको लेकर आज एक बड़ा सम्मेलन था। वहां पर कार्यकर्ता जगह जगह गिरफ्तार किए गए। चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो पुणे से भीमा कोले गांव से सीधा वहां पहुंचे, उनको एयरपोर्ट पर ही नजरबंद कर लिया गया। क्या है पूरा मामला? अभी तक वीडियो बनाने तक चंद्रशेखर को नहीं छोड़ा गया है। इंजीनियर सत्येंद्र विद्रोही, जो कि आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी गाड़ी बंद कर ली गई है। थाने से उन्होंने वीडियो भेजा है और मैंने इंजीनियर साहब का इंटरव्यू भी किया है। क्या है पूरा मामला, सुनिए ये पूरा इंटरव्यू। शुक्रिया, जय भीम। पूरा वीडियो देखते रहिए और शेयर करते रहिए। आपसे मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। फिर शुक्रिया। आप ये मानकर तय चलिए, ये आंदोलनकारी आप देखिए पूरे देश के अंदर ये जो आंदोलन हो रहा है वो अधिकारों के लिए आंदोलन। हम ये कहते हैं आपके पास 100 रोटियां हैं, 100 लोगों में आप एक एक रोटी बांट दीजिए। हमें नहीं चाहिए एक, आप हमें ज्यादा दीजिए। हम यदि 10 हैं तो आप हमें 10 बांट दीजिए। इसी प्रकार आपको आरक्षण देना होगा। इन युवाओं का आपने भविष्य तो बर्बाद कर ही दिया, रोजगार कहीं पे आप दे नहीं रहे। तो ये आंदोलनकारी अब सड़कों पे उतर चुके हैं और उतरते रहे। या कुछ भी हो जाए, सरकार जेल में डाले, कहीं पे भी डाले, ये आंदोलनकारी रोकने वाले नहीं है। जितने भी सामाजिक संगठन है, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, आप देखेंगे ओबीसी महासभा, सरदार चने, सब लोग यहाँ पर आए हैं और सब लोग लड़ते रहेंगे आखिरी तक। स्वागत है सत्येंद्र अम्बेडकर नामा में। आज 2 जनवरी है और आज भोपाल में ओबीसी का एक बड़ा प्रदर्शन था। महेंद्र सिंह लोधी का हमने इंटरव्यू किया था इस मसले पर। खबर आ रही है कि वहां पे बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो गए हैं, चंद्रशेखर भी गिरफ्तार हुआ है। क्या मामला क्या हुआ ये बताइए मुझे। सर जी, सबसे पहले तो आपके अम्बेडकर नामा चैनल के माध्यम से जो करोड़ों लोगों के दिलों में वास करता है, नववर्ष और भीमा कोरेगांव स्वर दिवस की मंगल कामना है। और सर मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव की घोषणा की गई थी, जिसमें उस समय कांग्रेस की सरकार थी, 2019 में आरक्षण किया गया था। उसमें 27% आरक्षण के आधार पर यहाँ पर सीटों को जो बांटा गया था, सभी जो लगभग 23,000 कुछ पंचायत है यहाँ पे, जिला पंचायत है, जनपद है, सभी में आरक्षित किया गया था पिछड़ा वर्ग के लिए। लेकिन अभी क्या हुआ था, भाजपा की सरकार ने उनमें तो आरक्षण को लागू कर दिया यथावत। जैसे 5 साल पहले, लगभग 2 साल कोरोना की वजह से लेट हो गए चुनाव, तो 7 साल पहले जो सीटें आरक्षित थी उसके हिसाब से चुनाव किया जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर निरंतर प्रयास ये दोनों करते रहे, चूहे बिल्ली की तरह ये दोनों सरकारों का खेल होता रहा और अंततः निर्णय यह निकला कि ओबीसी के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया और यह आदेश पारित किया गया कि जितनी भी आरक्षित ओबीसी की सीटें थी उनको सामान्य किया जाए और वहां पर सामान्य में फॉर्म भरे जाए। उसको लेकर पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में यह स्थिति बन चुकी थी कि कई लोगों को, उनमें से एक मेरी माताजी भी प्रत्याशी रही है एससी सीट पर, हम लोगों को कई बार वहां पर बुलाया गया जिला कलेक्ट्रेट में, हम लोग फॉर्म लेने गए, कई बार अपने समर्थकों को लेके गए। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए। अब इसमें कौन दोषी है, इतनी बार जाना, पर्चे छपवाना, लोगों से मिलना जुलना, यदि आपको चुनाव नहीं करने थे तो आप मना कर देते। फिर उनके बाद इनका एक बयान आया कि आरक्षण पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा, उस आधार पर चुनाव किए जाएंगे। इसी बीच हमारे ओबीसी महासभा के महेंद्र भाई, भीम आर्मी और जैस के जितने भी कार्यकर्ता, आंदोलनकारी क्रांतिकारी कार्यकर्ता हैं, उन सब लोगों ने मिलकर आपस में एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा को रचा और उसका परिणाम आज आपने देखा
दो जनवरी के दिन आदरणीय चंद्रशेखर भैया जी पुणे से, जो भीमाकोरे गांव है वहां से नमन करके, क्रांतिकारी साथियों को नमन करके वहां से आए थे। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी, हम लोगों को तुरंत डिटेन कर लिया गया, हम लोग रातीबड़ थाने में हम लोगों को डिटेन किया गया। मतलब वहां पर मैंने देखा आज पहली बार ये स्थिति थी तो पुलिस बेबस दिख रही थी। बेबस क्यों दिख रही थी कि जनता, इतनी जनता आई थी पता ही नहीं था, चार दिशाओं से जनता आने का था, लेकिन मैं ये कहूंगा यहाँ पर कोई दिशा ही नहीं थी, जहां पर जो गली थी उससे लोग आ रहे थे। इस आंदोलन को महाआंदोलन का रूप दिया गया जनता के द्वारा। आप देखेंगे लोगों के साथ बदतमीजी की गई, जबरदस्ती पकड़ लिया गया और कई प्रकार की बदतमीजी आपने देखा भी होगा। एक वीडियो है जिसमें एक बेचारा कोई यात्री है, वो आ रहा है अपनी बाइक लेकर, उस बाइक को वो पुलिस के डंडे के मारे क्या हुआ, उसने बेचारे ने गाड़ी को रोककर वो भाग गया। उस गाड़ी को आप देखेंगे को इतनी बेरहमी से उस पर पत्थर फेंके गए और आग लगाने का प्रयास किया गया एक वर्दी वाले पुलिस जो कांस्टेबल के द्वारा। तो यह सर कहां तक जाएगा। चंद्रशेखर भैया जी एयरपोर्ट पर आए, उनको एयरपोर्ट पर ही डिटेन कर लिया गया। और हम जब थाने में थे तो थाने में जो वायरलेस होता है सर, उनका वायरलेस पर ये स्थिति बनी हुई थी, सब जगह से कॉल आ रहा था कि ये लोग बहुत तादाद में है, इनको नहीं रोका जा सकता। पहले हम लोगों के मोबाइल जब्त कर लिए गए, लेकिन फिर हम लोगों ने, मैंने वीडियो भी भेजा है, सब लोगों ने नारेबाजी की, वहां पर कई लोग इकट्ठा हुए, एक एक थाने में हजारों जो आंदोलनकारी साथी थे संवैधानिक रूप से सभी लोग आए थे, इन लोगों ने उनको आंदोलन में सम्मिलित नहीं होने दिया। और अंततः अभी मैं आपको बता दूं, लगभग 1.5 से 2 घंटे पुरानी खबर है लेटेस्ट, उसमें सरकार भी नतमस्तक हुई है और भाजपा के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है कि नौकरियों में भी पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा। ये अभी की बात है। दो छोटे छोटे सवाल है, एक सवाल नहीं एक आग्रह है। आपके पास वहां जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उससे कुछ फुटेज वीडियो होगा तो वो भी भेज दीजिए कि जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। दूसरा, चंद्रशेखर अभी नजरबंद रखा है कि छोड़ दिया? नहीं, अभी तक नजरबंद करके रखा है उनको। अच्छा, चंद्रशेखर भैया जी को मैंने कॉल भी किया, व्हाट्सएप पर भी मैंने उनको मैसेज किया, अभी तक वो ऑनलाइन नहीं हुए है, और उनके कॉल भी किया तो कॉल उनका बंद आ रहा है। उनके साथ में मनीष भाई थे, उनका भी कॉल बंद आ रहा है। तो कई लोगों को डिटेंट करके रखा है, कई लोगों को गाड़ियां भर भर के ये लोग भोपाल से बाहर 30-40, 40-50 किलोमीटर दूर छोड़कर आ रहे हैं। अब ये जो गरीब लोग हैं ऐसे आते हैं, बताइए आज इनका पूरा दिन तो आंदोलन का था, लेकिन अभी ये लोग 50-50 किलोमीटर 60-60 किलोमीटर दूर छोड़कर आ रहे हैं, वो कैसे अपने घर जाएंगे, ये भी एक चिंता का विषय। आप वीडियो भेज दीजिए वहां भीड़ भाड़ का, जहाँ 2-4 वीडियो भेजिए, हम उसको दिखाएंगे। और दूसरी बात यह है, ओबीसी समाज के लोग निकले थे कि नहीं बाहर? नहीं, बिल्कुल, इस बार मैं ओबीसी समाज को हृदय से, मैं अपने जितना मेरे अंदर ईमान है उससे मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे ओबीसी समाज के साथी इतने संख्या में निकले हैं इस बार, पहली बार ये देखने को मिला। और जब हम लोग गए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग, तो उन्होंने गले लगाया, उन्होंने बोला आप लोगों की वजह से हमारे आंदोलन सफल हो रहे हैं। मैंने उनको बोला, हम लोगों ने भी, सब लोगों ने मिलकर भी प्रयास किया वहां पर बताने का सब लोगों को कि देखिए, वो उन लोग के नारे थे कि 2023 में यहाँ पर हम बदलाव करेंगे सरकार का। और फिर सब लोग जो कुछ क्रांतिकारी साथी मिले तो बात वार्तालाप हुआ, चर्चा परिचर्चा हुई, तो फिर वहां पर निष्कर्ष निकल कर आया कि 2023 में अगर इन सरकारों को रोकना है, सब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक तीसरा फ्रंट बनना चाहिए, इनसे ऊब चुके हैं लोग, तो वहां पर सीधा एक निष्कर्ष निकल कर आया, यदि इनको रोकना है तो पहले तो पंचायत, जिला पंचायत, जनपद, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में सबसे पहले इनको रोका जाए, हमारे क्रांतिकारी साथियों को मौका दिया जाए, तब जाकर वो आवाज को रखेंगे। तो सब लोगों ने सहमति भी जताई है वहां पर, सब लोगों ने बहुजन एकता बनती दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, एकता बनती दिख रही है, बहुजन एकता बनती दिख रही है। घर पे जाए, खाना खाइए, उनके यहाँ, अपने यहाँ बुलाइए सब लोग। जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं बढ़ेगा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, कुछ वीडियोज भेजिए और मैं अम्बेडकर नामा अपील करूंगा कि मध्य प्रदेश के
जितने आंदोलनकारी साथी हैं उनको जल्दी पुलिस रिहा करे। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाइए। ये थे इंजीनियर सत्येंद्र विद्रोही, जो कि भीम आर्मी के बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है। और सत्येंद्र, कुछ भी हो मुझे अपडेट करते रहिएगा। बिल्कुल सर, अभी मेरी गाड़ी भी थाने में ही है, अभी मेरी गाड़ी भी नहीं छोड़ी है। ठीक है, चलिए शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकर नामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलता हूँ। मेरी नजर मध्य प्रदेश भोपाल पिछड़े वर्ग के आंदोलन पे बनी रहेगी। शुक्रिया, जय हिंद।